मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे बताना चाहिए, हम लोग सभी अच्छे। और आज थोड़ा सा आलस लग रहा है, लेकिन आलस लगने से भी क्या होगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, अभी खाना बनाते हैं। आ सकती हूँ, निकल के रखा है। तो यहाँ पर है चावल और यहाँ पर है अंडा का झोल, और एक तो देखिए ना क्या हो गया, झोल में डालते डालते ऐसा हो गया। और हाँ, बैंगन का पत्ता। तो आज मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। तो मम्मी पापा का खाना हो गया, मेरा हस्बैंड का नाश्ता खा के वो चला गया ड्यूटी में। शायद वो आज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बाहर वो ड्यूटी में चला गया। तो आज है महाशिवरात्रि, साढ़े छः बजे से लगेगा शाम का, तो पूजा देने के लिए जाऊंगी, इसीलिए पूजा दे के आकर खाऊंगी खाना। और मेरा हस्बैंड पूछ रहा है फ़ोन करके, बोल रहा है कि तुमने खाना खाया? तो मैंने बोला नहीं खाया, क्योंकि आज मैं पूजा दे के खाऊंगी 6 बजे 6:30। तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, खाओ खाओ। मैं बोल कि नहीं 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 खाऊंगी, मैं पूजा दे के ही खाऊंगी। बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैंने बोला ना खाओ तुम खाना, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि मैं उतना भूखा नहीं रह सकता, नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि सच में भूखा रहने से मेरा मुँह से बात ही नहीं निकलती। तो सभी पूछ रहा था, मेरा ननद तो दीदी उन लोग भी जाएंगे, एक साथ ही जाएंगे हम लोग पूजा देने के लिए। तो मेरा ननद भी पूछ रहा था कि भाभी तुम भी लोगे क्या, ना क्या करोगे, शाम का 6 बजे से दिन भर भूखा रहना पड़ता है। तो बोल रहा है कि नहीं तो देखो संडे करो। कि नहीं ठीक है, सभी जब जा रहे हैं ना सारे शाम से ही सभी जा रहे हैं, तो शाम में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है मैं भी शाम में पूजा कर दूंगी ना। उन लोग को पता नहीं है, मेरे ननद को भी पता नहीं है कि मैं एकदम सुबह से भूखा हूँ, पूजा देने के लिए जाऊंगी। खाली उन लोग बोला कि तुम जाओगे, ऐसा खाली पूछा। तुम तो फिर हाँ, सच में मेरा क्योंकि प्रेशर का दवाई है, वो भी खाना पड़ता है, आज तो नहीं खाया। देखते पूजा करने जाऊंगी, तब आप लोगों को भी दिखाऊंगी कहाँ पर पूजा करने जा रही हूँ। हाँ, बजे है 5:45, तो मेरा अभी नहा के निकली हूँ, और थोड़ा सा रेडी होके अभी मंदिर में जाना है। तो ठीक है, हाँ जल्दी करके करती हूँ। मेरा हस्बैंड इतना हंसाया आज, बाप रे, बोल रहा है कि तुम जल्दी जल्दी 5 बजे, हम लोग का यहाँ से उतना दूर नहीं है, यहाँ पर ही है, और वो बोल रहा है कि मुझे मजा कर रहा है, बोल रहा है कि तुम 5 बजे मैंने चले जाना, तो तुम वहाँ पर 1 घंटा नहीं लगते, यहाँ पर ही है 10-15 मिनट है। वो बोल रहा है कि तुम 5 बजे तुम चले जाना, जैसे ही 6 बजे वैसे ही पानी डालना शिव जी को, और थोड़ा सा खाना भी कुछ लेके जाना, वहाँ पर ही खा लेना, ऐसा बोल के मुझे इतना चिरा रहे थे ना, इतना हंसी आया बाप रे। तो ठीक है, अभी जल्दी जल्दी करते हैं। इंदिरा तो मेरा जो देवरानी है, एक देवरानी रेडी हो गए, एक देवरानी फोन करके बोल रहे कि मैं अभी नहाऊंगी, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी करो, ठीक है। अभी रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ, सामान भी रेडी कर रही हूँ, अभी और भी किनना है, क्योंकि प्रसाद अभी तक नहीं खरीदा मैंने। मैं कहाँ पर है, चूड़ी पहना दिखा रहे हैं, देखिए तो उयम देखो पोते रातो देखिए पोते नेपाली का देखो ना, मैं चल देखिए आज पूरा सज धज के जा रहे हैं भोले जी को इंप्रेस करने के लिए। तो और भी पार्टी है, उन लोग नहीं आ रहे हैं अभी तक, थोड़ा फल खरीदना है, इसलिए हम लोग आगे जा रहे हैं। तो सभी सभी जा रहे हैं
टोटो में, तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। पूजा का सामान यहाँ पर है, सभी हम लोग को छोड़ के चला गए ना, हाँ सभी टोटो में जा रहे हैं, हम लोग खाली पैदल, हम लोग हटिया टिपा। अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए पुलिस लाइन का मंदिर है ये, माँ का मंदिर, बजरंगबली का। कितना दिन बाद आई हूँ मैं, हे भगवान। देखिए मैं अभी घर आ पहुंची, पहुंच गए। देखिए बाबा टीका भी इतना, पंडित जी ने टीका लगा दिया, देखिए तो इतना बड़ा बाबा। और मेरा हस्बैंड आज बाहर ड्यूटी है, तो देखिए लाइट भी खराब हो गया, बाहर का लाइट स्विच देने से भी नहीं चल रहा है। देखिए ऐसा होने से अच्छा लगता है बोले तो। अभी मैं देखिए प्रसाद, आप लोग भी सभी को लीजिए मेरी तरफ से महा शिवरात्रि का प्रसाद लीजिए। ठीक है अभी फिर मम्मी पापा को तो खाना दे, जल्दी जल्दी करके आके खाना दे दिया, तो ठीक है अभी प्रसाद खाती हूँ। मेरा हस्बैंड तो अभी ड्यूटी में है, वो हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो अभी तब तो बोल रहा था तो शायद आऊँगी ऐसा बोल रहा था। ठीक है आ रहे हैं, आज हॉल्ट नहीं हुआ, तो देखिए दिन में बोला था कि वहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, तो पति नहीं भाई थे पापा, लेकिन आज चला आया, रुकना नहीं पड़ा, हॉल्ट नहीं हुआ घर का।
घर का आदमी घर नहीं आया। खाना है? हाँ खाना खाया। क्या है? चिकन, चिकन भात खा लिया। आज दिन में तो घर का भात ही नहीं जुटा। बीबी का नहीं जुटा, तुम्हारा भी नहीं जुटा। क्या ऐसा रात का देखिए 12:15 हुनु आँटेको रहेछ। अरे बेटी देखिए पिताजी लेके आने से तुम्हें खाना पड़ता है। मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो भनेर जस्तो खाइरहेको छ। भर्खर डिनर किया है।